ओके तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर वन में रिक्वायरमेंट ए और बी हमने कंप्लीट कर लिए, तब सी और डी। सी में एंट्रीज और टी अकाउंट्स हैं और डी में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये हम बाद में करेंगे रिक्वायरमेंट सी एंड डी। पहले क्वेश्चन टू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री तीनों में सेम डेटा यूज होगा, ठीक है, डेटा सेम यूज होगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर टू, इफ द डेट ऑफ एक्विजिशन इन अबव क्वेश्चन वन, अबव क्वेश्चन इज 1 जुलाई 2010 एंड द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा क्वेश्चन वन में डेट ऑफ परचेज क्या थी, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ परचेज थी जनवरी 1। यहां वो कह रहे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जुलाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन। बी रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फुल ईयर कन्वेंशन। अब ये क्या होते हैं प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन और फुल ईयर कन्वेंशन क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन में ये होता है कि हम जितने मंथ्स एसेट यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हो, ठीक। और फुल ईयर कन्वेंशन में कितने भी मंथ्स यूज करें डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करेंगे, ये फर्क है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर मंथली बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितने मंथ्स एसेट यूज होगा उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बाकी फुल ईयर कन्वेंशन में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा चाहे आपने 1 मंथ ही क्यों ना यूज किया हो। ऐसे जैसे 1 दिसंबर पे एसेट एक्वायर किया, 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो गया, तो अगर फुल ईयर कन्वेंशन है तो उसमें फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो, तो ये डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू, स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ये कॉस्ट कितनी है एसेट की, कॉस्ट देखिए 1 लिस्ट प्राइस है 10 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख, लाइफ 20 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 35,000। अब ये 35,000 तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक। अब यहाँ हमने एसेट बाय कब किया, एक्वायर कब किया है, 1 जुलाई, ईयर एंड 31 दिसंबर, तो कितने मंथ हुए, 6 6 मंथ, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का चार्ज हो। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6/12 से, ये हमारे पास 6 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 17,500। 2010 के में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होंगे 17,500। अच्छा नेक्स्ट ईयर में क्या होगा अगर 2011 का डेप्रिसिएशन निकालें, 2011 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, ये तो पहला साल है ना 2010, जब नेक्स्ट ईयर हमारा होगा सेकेंड ईयर 2011, तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 35,000 या 17,500। 35 ही चार्ज होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरे 12 महीने एसेट यूज होगा, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये जो प्रोपोर्शनेट वाली कैलकुलेशन है सिर्फ ईयर वन में होगी, ईयर टू से तो फुल ईयर ही चार्ज करेंगे। ओके प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन, अब इसका बी पार्ट है, इसमें क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फुल ईयर कन्वेंशन। इसमें क्या होगा, फुल ईयर में हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करें, जुलाई में हमने एसेट एक्वायर किया, दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, एसेट हमने यूज किया है 6 मंथ्स, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फुल ईयर का 12 मंथ, तो आंसर हो जाएगा 35,000। कॉपी कर लें।
अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, आगे जो भी हम पढ़ेंगे भी फुल ईयर में क्या होता है, जिस ईयर हम एसेट एक्वायर करते हैं उस ईयर में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जिस ईयर में एसेट हम डिस्पोज करेंगे ईयर लाइफ, ठीक है, जिस ईयर में इसको डिस्पोज करेंगे स्क्रैप करेंगे फिर उस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर। ये भी आगे आएगा पॉइंट। और प्रोपोर्शनेट भी होता है कि जिस ईयर में परचेज कर रहे हैं जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ का चार्ज करेंगे, और जब एसेट डिस्पोज होगा तो उसी ईयर में भी उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जितने मंथ्स यूज किया। पीछे 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 जाए, पीछे नहीं उधर जाए, पीछे जाकर बैठे बैठे रहे, हम बैठे रहे पीछे जाए। क्वेश्चन थ्री, अच्छा क्वेश्चन थ्री में भी क्वेश्चन वन का डेटा यूज होगा। लिखते हैं द डेट ऑफ एक्विजिशन इन क्वेश्चन वन इज 18th of October एंड कंपनी यूजेस रिड्यूसिंग बैलेंस प्लान। रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन, और वे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 यूजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फुल ईयर कन्वेंशन। अच्छा देखिए क्वेश्चन टू में मेथड था स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन थ्री में मेथड है रिड्यूसिंग, तो मेथड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा, डिपेंड करेगा पॉलिसी पे। तो इसमें पहले प्रोपोर्शनेट है उसके बाद फुल ईयर। फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट कितनी है 8 लाख, अच्छा ये पहला साल है तो एक्यूमुलेटेड जीरो होगा और रेट दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन वन में इसका रेट गिवन था हमें 10%, 10% आएगा 80,000, 80,000 तो हो गया फुल ईयर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, देखिए 18 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं, दिसंबर में ईयर एंड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो एक्चुअल में तो ये बनेंगे 2 months 12 days तकरीबन। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें, 2 months का, 3 months का, या 2 months 12 days का, 2 months 12 days, जी क्या ख्याल है, 2 months only, आज पे देखिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 months का, ये डेज में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डेज है तो फिर आप कहेंगे आवर्स में भी होना चाहिए, ये एसेट इतने बजे आया इतने बजे आया, वो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल रखने के लिए या तो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं या मंथली बेसिस पे, डेज में डेप्रिसिएशन चार्ज डेज की बेसिस पे नहीं करेंगे। अच्छा अब यहाँ 2 months लेंगे या 3 months, तो उसके लिए भी एक पॉलिसी है कि अगर आपने एसेट first 15 days में बाय किया, first 15 days 1 से लेके 15 तक, तो वो मंथ काउंट होगा, और अगर last 15 days में बाय कर रहे हैं तो वो मंथ काउंट नहीं। तो यह हमने एसेट बाय किया 18 अक्टूबर को last 15 days में, तो अक्टूबर का मंथ काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ नवंबर और दिसंबर काउंट होंगे, तो ये बन गया 2 months, तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2 months का, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2/12 से, 2 months का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 13,330, तो 2010 में ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 13,333। रिक्वायरमेंट बी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फुल ईयर कन्वेंट। फॉर्मूला लिख लेते हैं, अच्छा फुल ईयर में क्या होगा, फुल ईयर कन्वेंशन में आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और वो बनेगा कितना 80,000, 80,000। अब क्वेश्चन नंबर वन, अब इसका सी और डी पार्ट, ठीक है, इसमें हम एंट्रीज, टी अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बना। अब इसमें ये बताते हैं क्वेश्चन नंबर वन में जो रिक्वायरमेंट ए थी, इसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से,
कितना आ रहा था? कितना? 35,000। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो हम ये मशीन परचेज कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट एशिया बैंक क्रेडिट। अब ये मशीन हम यूज करेंगे फुल ईयर। तो ईयर एंड होगा दिसंबर में। दिसंबर में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 35,000। अब वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? एक्सपेंस। इसका इफेक्ट क्या होगा? आपके एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और एसेट डिक्रीज होगा ना। मशीन आपने यूज कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट आपका डिक्रीज होगा। अच्छा, एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट जिससे आपके एसेट डिक्रीज होगा ना, लेकिन अब हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसे हम नाम देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का या एक्यूमुलेटेड। इसमें एसेट को हम क्रेडिट नहीं करते। बाकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे हम मशीन की कॉस्ट में से ये 35,000 लेस करके देखें। तो इफेक्ट अगर बात करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा? एसेट एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। लेकिन एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, मेथड कोई भी हो एंट्री सेम रहे। अच्छा, ये कॉपी कर लें। अच्छा, ये एंट्रीज हो गई, बना लेते हैं लेजर में, पोस्ट करते हैं। पहला हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहले एंट्री होगी मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट। तो फिलहाल बैंक अकाउंट हम नहीं बना रहे, जरूरत नहीं है। सेकेंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अकाउंट क्लोज करते हैं। ये मशीन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 8 लाख। जिसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये कैरी डाउन हो के नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट डाउन। अभी कर लें, ये तो आसान। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे 35,000। अच्छा, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें मशीन हम रिकॉर्ड करेंगे कितने, 8 लाख से, और इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 35,000। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी नेट बुक वैल्यू 7,65,000। कॉपी कर लें। कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, ये 2010 2011। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो वही रहेगा, सेम सेम एंट्रीज बनेगी। तब तो हम डायरेक्ट लेजर बना लेते हैं अकाउंट्स। ठीक, अब जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस थे 2010 के, वो 2011 के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे ना। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आएगा 8 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 35,000। ओके, अब 2011 में सिर्फ कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा ना। तो अब डेप्रिसिएशन हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, पोस्ट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 35,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35,000। अकाउंट क्लोज करेंगे। मशीन अकाउंट तो वही रहेगा सेम, 8 लाख 8 लाख 8 लाख, तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तब इसका टोटल आएगा 70,000। ये कैरी डाउन हो जाएगा 70 और नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन 70। और इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2011 के ईयर। तब इसमें देखिए, जो हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, पहले इसका बैलेंस था 35, अब कितना हो गया 70। फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 105, फिर 140, फिर 175। तो इसमें ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे जैसे एसेट हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे ये
अला एक्यूमुलेट होता जाए। स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 35,000। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होंगे 35,000। और बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट मशीन का बैल कॉस्ट तो वही रहेगी 8 लाख, माइनस करेंगे इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 लाख। अभी क्या शो कर रहा है कि एसेट इसकी कॉस्ट है 8 लाख, जिसमें से 70,000 से एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है और अब इसकी बुक वैल्यू रह गई 7,30,000। ठीक, कॉपी कर लें। हमने 2 ईयर्स का तो अकाउंट बना दिया ना, ये एक्सट्रैक्ट बना। अब डायरेक्ट अगर हम बनाएं एक्सट्रैक्ट 3rd ईयर के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज होंगे? 35,000, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। और बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ एसेट की कॉस्ट आएगी कितनी? कॉस्ट सेम रहेगी 8 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितना होगा? अब 70,000 में 35,000 ऐड होंगे, एक्यूमुलेटेड बन जाएगा 1,05,000। आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी? 695 नेट बुक वैल्यू। सिक्स लैख 95। अब ये 2012, अच्छा अब 4th ईयर की बात करें, अगर 2013 की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन तो वही 35,000 चार्ज होगा, और बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? एसेट की कॉस्ट सेम रहेगी 8 लाख, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? अब 1,05,000 में 35,000 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू कितनी आएगी? 6,60,000। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। करने जी, कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। ओके, नंबर 4 सॉल्यूशन चेक कर लें। ओके, तो 4 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 750 एनुअल डेप्रिसिएशन। अब इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको डायरेक्ट एक टेबल बनाकर सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट है 2,500, ईयर वन में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये एक्यूमुलेटेड 250 होगा, 750 बुक वैल्यू आ जाएगी 1,750। ईयर टू कॉस्ट वही रहेगी 2,500, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 750 प्लस 750 1,500, बुक वैल्यू रह जाएगी 1,000। थ्री कॉस्ट 2,500, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,500 प्लस 750 2,250, बुक वैल्यू रह जाएगी 2,500। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं।
सिर्फ उसमें मेथड चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव चेक कर लें। ईयर वन का डेप्रिसिएशन 1200, ठीक है, ईयर वन सेम। ईयर टू आ जाएगा 960 सेम। ईयर थ्री सेवन सिक्सटी एट, इसका एक्यूमुलेटेड और बुक वैल्यू। ईयर वन कॉस्ट है 6000, एक्यूमुलेटेड होगा 1200, वैल्यू आ जाएगी 48। ईयर टू कॉस्ट सेम रहेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2160 और बुक वैल्यू 38। ईयर थ्री एक्यूमुलेटेड हो जाएगा अब कितना 2928 और बुक वैल्यू रह जाएगी 3070। चलिए कर लें, क्वेश्चन फाइव हो गया कंप्लीट। अच्छा, पढ़ लिया भी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। अच्छा, ये एक टॉपिक है, इसमें आप एक टॉपिक में कई पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो एक लेंथी टॉपिक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, इसका मतलब क्या है कि एक एसेट आपने खरीदा, कुछ साल यूज किया और उसके बाद सेल कर दिया, ठीक। अच्छा, जब एक एसेट हम सेल करते हैं तो उसमें हमें लॉस गेन होगा, ठीक है, तो अब इसमें कैलकुलेशन आएगी लॉस गेन की और इसके बाद फिर इसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाए। तो रीड कर लेते हैं, लिखा मशीन कॉस्टिंग 6000 इन क्वेश्चन फाइव। अच्छा, इसमें क्वेश्चन फाइव का डेटा यूज होगा, इज सोल्ड इन ईयर थ्री फॉर 3000। अच्छा, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। उसके बाद कंप्लीट द लेजर अकाउंट टू शो हाउ द डिस्पोजल वुड बी अकाउंटेड फॉर, क्योंकि उसके एंट्रीज बनाएंगे। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं लॉस गेन, उसके बाद फिर एंट्रीज और टी अकाउंट। अच्छा, देखिए इसमें क्वेश्चन फाइव में हमने डेप्रिसिएशन तो इसका कैलकुलेट कर लिया था ना, अब वही डेटा यूज कर ले। ओके, अब सोल्ड कब कर रहे हैं, ईयर थ्री में, और आगे लिखा है कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो सिर्फ टू ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लॉस गेन की कैलकुलेशन किस तरह होगी, कुछ इस तरह से, कॉस्ट कितनी है 6000। अच्छा, एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं तो ईयर थ्री में और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टू इयर्स। तो ईयर वन का डेप्रिसिएशन कितना था 1200, ईयर टू का टू वन नहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 960। ईयर वन का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन फाइव में 1200 और ईयर टू का 960, दोनों को ऐड कर लेते हैं 1200 प्लस 950, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 2160। ये माइनस करते हैं, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3840। तो 6000 की मशीन थी, टू इयर्स में 2160 से डेप्रिशिएट हो गई और इस वक्त बुक वैल्यू रह गई इसकी 3840। अब ये मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं कितने में, 3000 में सेल कर रहे हैं, 3000 माइनस करेंगे, अभी गेन होगा या लॉस, 840 का लॉस होगा क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है, 840 का लॉस मेंशन है, मेंशन है क्वेश्चन में, इसलिए तो डिपेंड करता है पॉलिसी में, जो तो कभी चार्ज करेंगे कभी नहीं करेंगे। ओके, कॉपी कर लें, तो ये एक सिंपल से कैलकुलेशन है लॉस गेन की, कैलकुलेशन हो गई।
इसके बाद रिक्वायरमेंट भी है कंप्लीट लेजर अकाउंट टू शो हाउ द डिस्पोजल वुड बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा काम करते हैं, इसको एंट्रीज और टी अकाउंट्स बाद में बनाते हैं, पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते। अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये एंट्रीज बना ले पहले, बना ले सर। चलो पहले एंट्रीज बना लेते हैं। ओके डायरेक्ट हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, तो इसके एंट्रीज भी लिखवा दो या पहले। अच्छा ओके, अब देखें जब जब हम ये मशीन थर्ड ईयर में डिस्पोज कर रहे हैं, तो इस वक्त मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? 6,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा? 2,160। ठीक है ओके, अब ये मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या एंट्रीज होनी चाहिए आपके? देखिए कैश आ रहा है डेबिट होगा, और मशीन हमने डिस्पोज की मशीन क्रेडिट, और लॉस हुआ लॉस डेबिट होगा, और डिस्पोजल क्या? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसका क्या करें? तो तीन एंट्रीज हो गई, कैश डेबिट हुआ, लॉस डेबिट, मशीन क्रेडिट। ठीक है हाँ, अब देखें यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट है, मशीन डिस्पोज कर रहे हैं, तो मशीन हो जाएगी क्रेडिट, ये मशीन अकाउंट हो जाएगा क्लोज, क्लोज हो जाएगा ना खत्म। तब ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 2,160, इसका क्या करें? तो अब ये अलाउंस अकाउंट को भी क्लोज कर दें, क्योंकि जब ये मशीन आपने डिस्पोज कर दी, फिर ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको भी क्लोज कर देंगे। तो डिस्पोजल के टाइम पर मशीन अकाउंट, मशीन को क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को फिर डेबिट करके क्लोज, खत्म। सही, तो फोर एंट्रीज क्या हो जाएंगी? पहले एंट्रीज लिख लेते हैं। देखिए एंट्री क्या होंगी, कैश डेबिट 3,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 2,160, मशीन, अच्छा लॉस डेबिट 840, मशीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000। अच्छा ये कहलाती है कंबाइन एंट्री, ये लिख लें, फिर इसकी सेपरेट एंट्रीज भी बनाएंगे, तो इसी में सेपरेट एंट्रीज होंगी वो बनाते हैं, पहले ये कॉपी कर कंबाइन कह लें कंबाइन। देखिए जो हमने भी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन की, लॉस ये हमने कैलकुलेट किया, तो स्टेटमेंट बनाकर हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन ये सिर्फ स्टडीज की हद तक होती है, जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो वहां जो लॉस गेन कैलकुलेट होगा वहां उस पर फिर ये कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि इसके लिए भी एक टी अकाउंट बनता है। टी अकाउंट बनाएंगे, एंट्रीज पोस्ट करेंगे, फिर वो अकाउंट क्लोज होगा तो हमारे पास लॉस गेन आ जाए। तब हम एक टी अकाउंट बनाते हैं और फिर ये एंट्रीज को समझते हैं कि टी अकाउंट के साथ एंट्रीज क्या बनेंगी। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा जब हम ऐसे डिस्पोज, पहले तो भाई मशीन अकाउंट आपका बैलेंस कितना आ गया 6,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,160। अब डिस्पोजल के टाइम पर एक नया अकाउंट ओपन होता है डिस्पोजल के नाम से, इसमें सारी एंट्रीज हम पोस्ट करेंगे, अकाउंट्स क्लोज करेंगे, उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस आ जाए। देखिए पहली एंट्री क्या होगी, मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, मशीन तो हो गई क्रेडिट, तो डेबिट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा इसका? डिस्पोजल अकाउंट, मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट। तो ये मशीन अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया डिस्पोजल अकाउंट। एक चीज और, ये डिस्पोजल अकाउंट इसकी कोई नेचर नहीं है, ये कोई नेचर नहीं है, ना एसेट है, ना एक्सपेंस लाइबिलिटी, कुछ नहीं, टेम्प्रेरी अकाउंट है, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। पहली एंट्री क्या हुई, मशीन हमने डिस्पोज की, तो मशीन अकाउंट को क्लोज किया, मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, तो मशीन अकाउंट को हमने डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया। अब ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो। अच्छा थर्ड एंट्री, अब एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं तो कैश रिसीव होगा, तो कैश हो जाएगा डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट
क्रेडिट। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज कर, मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस आ गया जीरो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस जीरो हो गया। अब डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे, जिसमें देखिए आप डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। अब डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, अब जो डिफरेंस आएगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 840 का, और ये होगा लॉस ऑन डिस्पोज, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर ले, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट से 840 माइनस हो जाए। अच्छा, पहले इसको जनरल जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं एंट्रीज को, उसके बाद फिर लेजर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एंट्रीज में रिपीट कर देता हूँ। एंट्रीज क्या बनी, पहली एंट्री हमने बनाई मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सेकेंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, थर्ड कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, के बाद ये अकाउंट क्लोज हो गए। पहले ये एंट्रीज हम जनरल जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद लेजर बनाएंगे। अब जनरल जनरल पे चलते हैं पहले, कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी। अब देखें पहले एंट्री क्या बनी हमारी, मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सेकेंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हुआ था डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, थर्ड कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। इसके बाद डिस्पोजल अकाउंट क्लोज किया तो बैलेंस कहाँ आया था, क्रेडिट पे ना, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये फोर एंट्रीज, क्लियर। तो पहले एंट्रीज कॉपी कर लें, इसके बाद फिर अकाउंट्स बना लें, एंट्रीज लिख लें। नंबर 7, अब इसमें मिसिंग फिगर्स हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, ओके, अब चलते हैं। पहले क्या कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल प्रोसीड, नेट बुक वैल्यू और लॉस गेन फाइंड कर। तो इसे एक टेबल बना लेते हैं और इसको इस टेबल के फॉर्म में सॉल्व कर। अच्छा, 1 में कॉस्ट कितनी आपको दी हुई है, 50,000 कॉस्ट है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एक्यूमुलेटेड कितना है, 30,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। अब सेल प्रोसीड माइनस करेंगे कितनी, 40,000 माइनस 40, आंसर आएगा 20,000 माइनस 20, ये हो जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल, 40 माइनस में ना, इसलिए माइनस 20 लिख दिया, तो गेन हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड में हमें कॉस्ट फाइंड करनी है और गेन लॉस फाइंड कर। ठीक, तो जो वैल्यूज गिवन है पहले वो पुट कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 75,000। सेल प्रोसीड 1 लाख और नेट बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 लिख लेते हैं। अब देखिए गेन लॉस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, सेल प्रोसीड 1 लाख, तो 50,000 1 लाख माइनस 50, ये हो जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल, गेन हो गया। साइन से कंफ्यूज ना हो, तो मैंने जो वैल्यूज लिखी है उस हिसाब से साइन लिख दी, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन होगी। नेट बुक वैल्यू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी ना, कितनी, 125,000। ठीक है, क्लियर। अभी बाकी तीन आप लोग कंप्लीट करें, तीन पार्ट इसके।
तो ये साइन से कंफ्यूज ना हो, ये तो क्यों ऊपर देखो माइनस 40 था इसलिए मैंने माइनस 20 किया। होगी बट वो तो पक्का फाइन ही नहीं करना क्यों कैसे, नहीं ईयर नहीं है ये। अच्छा ये ईयर नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग तरह नहीं देखे, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा जी तो टैली कर लेते हैं आप 7, तो 1 2 तो हो गए थे, 3 3 चेक कर लें, ओके ठीक है, 4 5 और